Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, you are watching my channel BSc Nursing Lectures. And I'm Ulfat Amin. Today's topic is budgeting for a patient care unit or we can say a hospital. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं जब हम बजटिंग करते हैं एक हॉस्पिटल की या हम किसी पेशेंट केयर यूनिट की. हम कैसे बजटिंग करेंगे, क्या स्टेप्स हम लेंगे जब बजट हमें वहाँ का बनाना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, पहले हम देखेंगे बजटिंग क्या है. अगर हम देखेंगे बजटिंग एक वो चीज़ है जिसे हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक प्लान होता है और वी कैन से इट्स अ प्लान जिसमें हम देखते हैं कि हमें क्या स्पेंड करना है या हमारे पास कितना है और उसमें से क्या स्पेंड करना है. या हम देखेंगे कहेंगे एक प्लान होता है जिसमें हम सेविंग्स करते हैं, जिसमें हम इनकम जनरेट करते हैं, जिसमें हम परचेजेस करते हैं, बट इट्स ऑलवेज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि अगर हम ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है. बजट हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, लाइक कभी मंथली बजट होता है, ईयरली बजट होता है, और ये हमेशा बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होता है और कभी कभी क्या होता है बेस्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो टर्म है ये डिराइव हुई है फ्रॉम वर्ड बोगेट, जिसका मतलब है एक लेदर बैग या हम वॉलेट फॉर कैरी द ऑफिशियल पेपर्स. तो सिंपली अगर हम कहेंगे बजट में क्या होता है, ये एक प्लान होता है किसके लिए, फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास रेवेन्यूज़ कितने आ रहे हैं या हमारे पास ये एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, या हम सिंपली कहेंगे ये एक फ्यूचर प्लान होता है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बजट की, बजट हम हर एक जगह पे बनाते हैं. लाइक अगर हम बात करेंगे अपने घरों से स्टार्ट करेंगे तो हम घर में भी बजट बनाते हैं ऑन डेली बेसिस पे. फॉर एग्जांपल अगर हम हमारा इनकम फॉर एग्जांपल 8000 है और हमारे जो एक्सपेंसेस है वो ईटेबल्स पे देखेंगे हम 4000 है, क्लॉथ्स पे 2000 है, विज दिस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे 1000 है, किड्स पे 1000 है, या कुछ और एक्टिविटीज़ है जिस पे 1000 है. तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सपेंसेस यहाँ पे है वो बनती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हमारे इनकम. तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमें क्या बताता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को लिमिट करो, आप अपनी एक्सपेंसेस में से वो जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है उनको काट दो, ताकि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो हमारे इनकम से ज़्यादा ना हो. उससे क्या होगा, हम शॉर्ट ऑफ कैश हो जाएंगे या हम लॉस में हो जाएंगे या हमें कभी कभी क्या होता है बोरो करना पड़ता है. तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट. नाउ द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, बजट इज़ अ कंक्रीट प्रीसाइज पिक्चर ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन मॉनिटरी टर्म्स. ये हमेशा होता है इन किसमें, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यूज़. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स एंड द मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग दिस एक्सपेंडिचर्स. डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं एज़ पर देयर ओन परसेप्शन. बजट इन द हैंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंसेज, ए मेथड ऑफ द करंट कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट ऑफ द फ्यूचर प्लान. एक बात आप स्टूडेंट से याद रखिए, बजट किसी भी चीज़ की अगर डेफिनेशन हो वो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे ऑथर ने फ्रेम की हो. नाउ वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग. पहले ही हम देखेंगे प्लानिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो इसमें हमें क्या होता है, हम फ्यूचर को प्लान करते हैं. जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हम देखते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं फ्यूचर के रिलेटेड कि हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे, हमारे हमारे इनकम्स कितने होंगे.
और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कैसे ये करता है। देखो अगर हम फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताता है कि आपका जो एनुअल बजट है फॉर एग्जांपल वो 1 करोड़ है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट को क्या है, उसको वो अकॉर्डिंगली प्लान बनाता है, वो अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ करता है, वो अकॉर्डिंगली परचेजेस करता है या वो अकॉर्डिंगली बोरो चीज़ें करता है वो, ताकि वो उसी 1 करोड़ में होने चाहिए। ठीक है, हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग। तो जब हम बजट बनाते हैं तो हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताया कि हाँ जी आपका जो पर ईयर बजट है वो 1 करोड़ है, तो वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा कि मुझे कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लानी है और कौन सी चीज़ें मैं हाँ इस टाइम अवॉइड कर सकता हूँ इस प्लान में। टूल फॉर कम्युनिकेशन, अगर हम देखेंगे ये कैसे एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन बनता है, जब हम बजट बनाते हैं यही, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने एक बजट बनाया तो हम उनको कम्युनिकेट, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं उन या उनको हम अपने वोकलाइज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ अपनी स्ट्रेटजीज़ कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे और कहाँ पे नहीं करोगे। तो बजट बनाने से हमें फीडबैक मिलता है। कैसे फीडबैक मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे कि हमने लास्ट मंथ अपना बजट रखा था 10,000, लेकिन जब हमने उस चीज़ पे अमल किया तो हमने देखा कि जो हमारी एक्सपेंसेस थी वो ज़्यादा हो रही थी एज़ कम्पेयर टू आवर इनकम्स, तो हमें एक फीडबैक मिला कि नहीं हमें अपने इस बजट में ऑल्ट्रेशन लानी है, हमें एक चेंज लानी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला हम ई टेबल्स पे रखते हैं, क्लॉथिंग पे रखते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे रखते हैं, किड्स पे रखते हैं, खर्चे जो हम बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉथिंग में से थोड़ा काटेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं जो हमारे पास ऑलरेडी कपड़े अवेलेबल है तो उनसे हम लेंगे, या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, हम कुछ ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करेंगे जिन पे हमें ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, या घर पे ही हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसी हिसाब से हमें एक फीडबैक मिलता है कि हमें कहाँ पे खर्च करना चाहिए और कहाँ पे नहीं खर्च करना चाहिए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एरियाज़, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किस एरिया में, लाइक अगर हम बजट बनाएंगे तो उसके बाद हमें क्या पता चलता है, बजट से ही हमें पता चलता है कि किस एरिया में हमें प्रॉब्लम आ रही है, किस एरिया पे हमें खर्च नहीं करना चाहिए था और किस एरिया पे हमें ज़्यादा खर्च करना चाहिए था। और हमें ये हेल्प करता है किस में, रिकॉग्नाइज करता है ये अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स में हमें ये मदद करता है। कंट्रोलेबल कॉस्ट्स कौन से कॉस्ट्स होते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट्स हमें वो एक्सपेंसेस आते हैं लाइक डेली वेजेस हमें देने होते हैं किनको, अपने वर्कफोर्स को, या क्वालिटी ऑफ द मटेरियल हमें लाना होता है, क्वालिटी मटेरियल। तो जो जो ये अनकंट्रोलेबल है जिनको हम, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक हमारा आता है रेंट, लाइटनिंग चार्जेस, या कभी होती है रेनोवेशन, कभी होती है लाइक दिस रिपेयरिंग ऑफ द इक्विपमेंट एटसेट्रा, वो हमें देखना है, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पे हमें कौन सी चीज़ खर्च करनी है और कहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा कौन सा कॉस्ट कंट्रोलेबल है एंड कौन सा अनकंट्रोलेबल है। द बजट इज़ मेड इन 2 पार्ट्स। अगर हम देखेंगे कि बजट हम कैसे बनाते हैं, हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल्स की ही एग्जाम्पल देंगे। तो हम बजट कहाँ पे कैसे बनाते हैं, जो बजट है इसमें हमने पहले ही बोला इनकम्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या हम कहेंगे रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसमें क्या क्या मतलब इनकम्स है हॉस्पिटल में, या क्या रेवेन्यूज़ है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो क्या होता है, पेशेंट फ़ी होता है, चैरिटी फंड्स, डोनेशंस। देखो जैसे कि पेशेंट के फ़ी कौन से, डायग्नोस्टिक फ़ीस होते हैं, आईपीडी फ़ी होता है, ओपीडी पे होता है, बेड चार्जेस होते हैं, या डिफरेंट इक्विपमेंट चार्जेस होते हैं, या डिफरेंट केयर चार्जेस होते हैं। चैरिटी फंड्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन देती हैं लाइक NGOs देते हैं कुछ हॉस्पिटल्स को, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स देते हैं, या डोनेशंस डिफरेंट पर्सन्स देते हैं डोनेट करते हैं, या डिफरेंट NGOs भी डोनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं रेवेन्यूज़, क्योंकि इनसे हमें क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है।
नाउ एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है. एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे इक्विपमेंट जो हमारे एक डिपार्टमेंट में होते हैं उनकी स्टरलाइजेशन वो खर्चे हैं, लॉन्ड्री वो खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो खर्चे हैं, वाटर टेलीफोन मतलब वो खर्चे आते हैं, या सैनिटरी मेंटेनेंस स्टेशनरी मेंटेनेंस और कौन से खर्चे आते हैं. और हमारे पास होते हैं रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. रिकरिंग एक्सपेंसेस में अगर हम देखेंगे रिकरिंग में रिकरिंग मीन्स पहले ही हम देखेंगे रिकरिंग है क्या. रिकरिंग मीन्स वो एक्सपेंसेस जो हमें फ्रीक्वेंटली आते हैं या जो हम कहेंगे बार बार रिपीटेडली आते हैं, लाइक सैलरी हमें बार बार एम्प्लॉयज़ को देनी है, बस मेंटेनेंस मतलब बस को हमेशा मेंटेनेंस में रखना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, लैब कंज्यूमेबल, स्टेशनरी चार्जेस, ये वो चार्जेस है जो हमें बार बार एक्सपेंसेस करने हैं. और नॉन रिकरिंग में क्या आता है, बिल्डिंग, लाइक हमने एक बार बिल्डिंग बनाई तो बस बनाई, फर्नीचर एक बार डाल दिया तो डाल दिया, लैब इक्विपमेंट्स लाइक एनालाइजर्स लाने हैं, रेफ्रिजरेटर्स लाने हैं, इनक्यूबेटर्स लाने हैं, तो वो ला के रखे हमने, व्हीकल्स एंड अदर कुछ चीज़ें होती है जो हम नॉन रिकरिंग सॉरी इसमें एक्सपेंडिचर में आते हैं. ये है वो चीज़ें जहाँ से हमारा एक्सपेंडिचर जाता है. नाउ अगर हम देखेंगे कि बजट साइकिल है क्या. बजट साइकिल हम किसको कहेंगे, या मतलब बजटरी साइकिल जो है वो कैसे काम करता है. बजटरी साइकिल जो है हर एक डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है, हर एक चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक का अपना एक बजट होता है. अब है ये एक साइकिल होता कैसे, बनाते कैसे. फर्स्ट वी गो फॉर प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं या जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करते हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड से इनफैक्ट बात करते हैं और बजट बनाते हैं. तो इसमें बजट बनाने के दो तरीके होते हैं. लाइक पहला है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, वो प्रीवियस बजट को कंसिडर करके बजट बनाती है, या वो देखते हैं प्रीवियस बजट में कुछ लैकुनीज थी या कुछ लूपहोल्स थे, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ वहाँ पर चेंजेस लाते हैं तो अपना बजट फ्रेम करती हैं. दूसरा तरीका है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एक नया स्टार्ट अप जिन्होंने किया हुआ होता है या उनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो क्या करती है, वो एक नया बजट ही स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट फ्रॉम प्रिपरेशन फेज वी विल मूव टुवर्ड्स अप्रूवल फेज. अप्रूवल जो होता है, देखो अप्रूवल, अब हमने अगर प्रिपेयर किया बजट बनाया, चाहे हमने प्रीवियस बजट देख के बनाया चाहे हमने नया ही बजट बनाया, अब इसको अप्रूवल के लिए भेजना है. अप्रूवल कैसे होता है, अगर हम बात करेंगे जो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी या बजट जो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो फ्रेम करेंगे उसके हेड्स, तो उसको ज़्यादा उसको अप्रूव करेंगे उसके हेड्स. लेकिन जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको अप्रूवल लाना पड़ता है बजट के लिए फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इसकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिवर्सिटी होती है, अगर उनको कोई बजट अप्रूव कराना होता है तो उनको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक इनसाइड डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी परमिशन अप्रूवल आना होता है या डिफरेंट हेड से अप्रूवल आना होता है, और आउटसाइड लाइक डिफरेंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी अप्रूवल आना होता है. उसके बाद अब हमने अप्रूवल आया, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन इज़ एक्चुअली द डूइंग और वी कैन से एग्जीक्यूशन फेज ऑफ द बजट. तो इस एग्जीक्यूशन फेज में या डूइंग फेज में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं बजट को इम्प्लीमेंट करना. लेकिन ये कब होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और जिसको हम बोलते हैं फिस्कल ईयर. लाइक अगर हम देखेंगे कोई जनवरी टू दिसंबर अपना बजट एनुअल बजट बनाता है, कोई मार्च टू मार्च बनाता है, तो इसको स्टार्ट करना है, इस बजट को इम्प्लीमेंट करना है, बट वी हैव टू स्टार्ट इट ऑन द स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर, और वी कैन से फिस्कल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके स्टार्ट में हमें इसको स्टार्ट करना है. लेकिन हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि रेगुलर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करनी होती है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है. क्यों, ताकि हमें पता चले कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं
वो इस बजट को फॉलो कर रहे हैं जो हमने फ्रेम किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इवैल्यूएशन फेज़। इवैल्यूएशन फेज़ जो है इसको हम ऑडिटिंग फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग फेज़ में क्या होता है, जो इसमें दो तरीकों की ऑडिटिंग होती है, एक होती है इंटरनल ऑडिटिंग एंड वन इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिटिंग सिंपली होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स करते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है वो डिफरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं हेड्स, तो वो करते हैं ऑडिटिंग, ताकि वो देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये विद इन द बजटरी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हमने रखे हैं, क्या वो ये वो उन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंडर अपना बजट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज टाइप्स। टाइप्स में अगर हम देखेंगे पहला ही है ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट जो हमारा होता है ये होता है डे टू डे रेवेन्यूज़ जो होते हैं हमें, या डे टू डे परचेजेस जो होते हैं हमें उनके रिगार्डिंग होते हैं। इसमें बहुत कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस आते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें क्या आता है, वेजेस आता है, रेंट आता है, एम्प्लॉयज़ में क्या आता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनके इंश्योरेंस या सर्जिकल सप्लाईज़ या मेड इक्विपमेंट्स की सप्लाईज़, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री सर्विसेज, ड्रग्स फीस एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें जो डे टू डे जो हमें रेवेन्यूज़ होते हैं ना जनरेट, या डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैपिटल बजट। दिस टाइप ऑफ बजट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लाइक ये जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग टर्म, लॉन्गर देन वन ईयर वी कैन से जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके साथ ये डील करता है। लाइक अगर कभी कहीं पे लैंड लेनी हो, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, या कोई मशीनरी लानी हो, या रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड मशीनरी हो, या किसी इसकी एक्सपेंशन करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नया डिपार्टमेंट हमें अपनी यूनिवर्सिटी में बनाना है तो एक्सपेंशन ऑफ करना हो, तो ये उन चीज़ों के साथ डील करता है कि वहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होते हैं या वहाँ पे क्या न्यू जनरेट होंगे। कैश बजट्स। कैश बजट्स जो होते हैं वो डील करते हैं फ्यूचर के, मतलब अगर हम देखेंगे फ्यूचर में हमें क्या कैश आएगा, या फ्यूचर में हमें क्या खर्चे आएंगे इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल एक साल के लिए हम देखेंगे कैश बजट, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या मतलब कहाँ से कैश आएगा या कहाँ कहाँ पे खर्चे होंगे। तो इस जो दिस टाइप ऑफ बजट जो है ये हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है किस में, कि क्या हमारे पास इतने इनकम्स हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को हैंडल कर सके। कभी कभी क्या होता है, अगर हम ये बजट नहीं बनाएंगे तो इससे क्या होता है, जब हमारे पास इतने इनकम्स नहीं होते हैं जितने एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए हम ये बजट बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या हमारे पास इतने इनकम्स हैं कि हमारे एक्सपेंसेस को मीट करें। या कभी कभी क्या होता है, हमें एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हमें ये फाइनेंसेस लाने पड़ते हैं, या कभी कभी हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, बाहर से हम सपोर्ट मंगवाते हैं। तो नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट्स में क्या आता है, लाइक इसमें आता है सम वेरिएबल एक्सपेंसेस, कुछ होते हैं अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन बी डिटरमाइंड आफ्टर अ चेंज हैज़ बिगिन। देखो अगर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल बजट्स की, फ्लेक्सिबल बजट्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे पास, हमने एक बजट बनाया है कि हाँ परचेजिंग डिपार्टमेंट को हम इतना दे रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को हम 1 करोड़ दे रहे हैं ये बिल्डिंग बनाने के लिए। अब वो बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन क्या हुआ बीच में उनकी कोई मशीनरी ख़राब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उनको 1 करोड़ दिया हुआ है, तो बीच में क्या होता है, उनकी एक मशीनरी जो है वो ख़राब होती है, दैट वाज कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़। तो इसमें क्या होगा, अब अगर हम उसको रिपेयर करते हैं तो हमें 10 लाख चार्जेस चढ़ते हैं, या अगर हम नई लाते हैं तो और 20 लाख। तो उस टाइम क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट हम इसलिए बनाते हैं, कभी कभी कुछ चेंजेस लानी पड़ती है, कभी कभी कुछ राइज एंड फॉल होता है, तो उस टाइम उस राइज एंड फॉल को सपोर्ट करने के लिए। अब देखो अब अगर हम वो मशीनरी फिर से नहीं लाएंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो काम है वो रुक जाएगा। इसीलिए वी प्रेफर कि हमने एक ऐसा बजट बनाते हैं जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं एज़ पर नीड।
नाउ द मार्केटिंग बजट. मार्केटिंग बजट जो होता है ये वो बजट होता है जो डील करता है किसके साथ, एडवर्टीजमेंट्स के साथ, प्रमोशंस के साथ एंड पब्लिक रिलेशंस के साथ. अगर हम देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी उसको प्रमोशन की ज़रूरत होती है, उसको लोगों तक पहुँचाने की, एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है. यूजुअली ये होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में. लाइक अगर हम बात करेंगे किसी कोई स्कूल किसी ने खोला है तो उनको एडवर्टीजमेंट करना है कि हमने ये स्कूल खोला है, उनको प्रमोट करना है उस स्कूल को, या उनको कुछ रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस बनाने हैं. तो उस चीज़ के लिए जो हम बजट बनाते हैं उसको बोलते हैं मार्केटिंग बजट. नाउ द प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट क्या होता है? कभी हम देखो क्या होता है, लाइक अगर हमें फॉर एग्जांपल सेल्स हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ानी है, या कभी कभी क्या होता है टारगेटेड, फॉर एग्जांपल एक महीने में आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की 50,000 बॉक्सेस निकालने हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस मतलब वो सेल ना रुके, वो सेल हो, उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखने हैं, और उन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल रखने के लिए हम एक बजट बनाते हैं कि तो उस के लिए हमें लेबर चाहिए, उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए. तो उस चीज़ को डील करने के लिए हम जो बजट बनाए उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बजट. नाउ द ज़ीरो बेस्ड बजट. ज़ीरो बेस्ड बजट वो बजट होता है जो हमेशा बेस्ड होता है एफिकेसी या नेसेसिटी देन ऑन द प्रीवियस बजट. मतलब ये बजट जो होता है ये कभी ये नहीं दिमाग में रखता है कि प्रीवियस बजट क्या था. इसमें हम ये नहीं रखते हैं दिमाग में प्रीवियस बजट क्या था तो अकॉर्डिंगली बजट बनाते हैं. नहीं, इस बजट का मेन मोटिव होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी जो ज़रूरत है वो हमें मिलनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस बजट. परफॉर्मेंस बजट वो बजट होता है जो हम बनाते हैं किसके लिए, जो हमें बेस्ड ऑन द सर्टन फंक्शंस होता है. अगर हम नर्सिंग की बात करेंगे तो जो डायरेक्ट नर्सिंग केयर देते हैं या नर्सेज को हम इन सर्विस के लिए भेजते हैं, नर्सिंग रिसर्चेस हम कंडक्ट करते हैं, उस पे जो टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग पर्सनल और टू एनहेंस द कॉम्पिटेंसी ऑफ द नर्सिंग पर्सनल जो हम बजट बनाते हैं उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट. नेक्स्ट इज़ द प्रोग्राम बजट. प्रोग्राम बजट जो होता है फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, लाइक अगर हमने मैटरनल चाइल्ड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर हम लॉन्च करेंगे, उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाने के लिए या कम्प्लीशन के लिए जो कॉस्ट्स हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम बजट. नाउ अगर हम एक हॉस्पिटल के लिए बजट बनाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना है. पहले ही डिटरमिन हॉस्पिटल रेवेन्यूज़. पहले ही हमें मतलब बजट बनाने के लिए हमें पता होनी चाहिए पहले कि हमें रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं, हमारे पास रेवेन्यूज़ कितने हैं. तभी तो हम, जब हमें पता होगा कि हमारे इनकम्स क्या है तभी तो हम एक्सपेंसेस करेंगे. अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारे रेवेन्यूज़ क्या है तो हम एक्सपेंसेस नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें घर में पता है कि मंथली जो मतलब हमारा इनकम है वो 10,000 है तभी हम 5,000 एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे, ठीक है. इसलिए हमें देखना है रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं. जैसे हमने पहले भी बोला पेशेंट से आते हैं, पेमेंट से आते हैं, डोनेशन से आते हैं, ठीक है. तो हमें ये चीज़ें देखनी है पहले कहाँ से आते हैं. उसके बाद हमें देखना है हमारे एक्सपेंसेस जो है वो फिगर आउट करने हैं कहाँ कहाँ से आते हैं. देखो हमारे एक्सपेंसेस, पहले ही हमें एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए वहाँ के लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, एयर कंडीशन चार्जेस होंगे, वाटर चार्जेस होंगे, अदर यूटिलिटीज़ के लिए चार्जेस होंगे. तो या हमें इक्विपमेंट्स रखने हैं, पेशेंट केयर पर डे कॉस्ट क्या है वो हमें चीज़ें रखनी है, या नॉन मेडिकल कॉस्ट्स. नॉन मेडिकल कॉस्ट्स में आता है हाउस कीपिंग, लाइक मील्स प्रोवाइड करना, हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटरी डिपार्टमेंट, वो हमें चीज़ें देखनी है. उसके बाद हमें कॉस्ट देखना है किसका कितना है, लाइक हमारे एम्प्लॉयज़ का कितना है पर डे के हिसाब से कितना है, नॉन मेडिकल स्टाफ का कितना है, एक्सिलरी स्टाफ का कितना है, वो हमें फिगर आउट करना है. तो उसके बाद हमें देखना है जो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या कॉस्ट है, तो वो देखना है, लाइक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स का क्या है या वेंटिलेटर्स का क्या है, लाइक अगर कभी रिप्लेसमेंट किया किसी इक्विपमेंट को वो कॉस्ट क्या है. उसके बाद नो द मेडिकल कॉस्ट ऑफ द
ایچ بیڈ. اس کے بعد دیکھنا ہے ہر ایک بیڈ کا کیا کاسٹ ہے. لائک اگر ایک نرس 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں اس کو پر آور کے حساب سے ہم دے رہے ہیں 100. فار ایگزامپل 10 گھنٹے کر رہی ہے, دیٹ مینس اس کو دینا ہے 1000 پر ڈے. تو اسی کے حساب سے وہ دن میں مہینے میں کتنے دن کرے گی کام, تو اس کو اکارڈنگلی چارجز ہمیں پرووائڈ کرنا ہے. نان میڈیکل کاسٹس پرووائڈ کرنے ہیں, اکوپمنٹس کاسٹس ہمیں ایڈ کرنے ہیں. نم واٹ اباؤٹ, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے, لائک جیسے کہ اسلامک یونیورسٹی, ہماری اپنی یونیورسٹی کی ہم بات کریں گے, تو اس میں کیا پہلے ایک ڈپارٹمنٹ تھا, اس کے بعد دوسرا ڈپارٹمنٹ, اس کے بعد ایکسپینشن ایکسپینشن ایکسپینشن. ایسے ہی دماغ میں رکھنا ہے کہ اگر میں کوئی ایکسپینڈ کر رہا ہوں, کوئی ونگ کر رہا ہوں یا رینوویشن کر رہا ہوں پرانے کی, وہاں سے مجھے کیا ریونیو جنریٹ ہوں گے. اگر میں اس پہ خرچہ کروں گا مجھے کیا ریونیوز کوئی جنریٹ ہوگا. اگر بیٹر ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں تب ہی ہم ایکسپینس کرتے ہیں. تو ڈونٹ, ہاں اور کچھ چارجز ہے لائک پارکنگ چارجز ہے, گراؤنڈ چارجز ہے, لینڈسکیپ چارجز ہیں, ونڈو واشنگ وغیرہ ہے نا. انکلوڈ آل انشورنس فار فیسلٹی اینڈ پرسنز کے لیے جو بھی انشورنس پالیسیز وغیرہ اویلیبل ہے تو وہ ہمیں رکھنی ہے. اور ہمیں اس میں کچھ چارجز اور بڑھانے ہیں, لائک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے. اگر ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, گاڈ فاربٹ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں دماغ میں رکھنا ہمارے ہاسپٹل میں, ہماری آرگنائزیشن میں اکوپمنٹس اینڈ ریسورسز وہ ہو کہ وہ پریپیئر ہو اس ڈیزاسٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے. اس کے بعد ہیں پرنسپلز آف دا بجٹ. پرنسپلز آف دا بجٹ کیا ہے؟ بجٹ شوڈ بی پریپیئرڈ آن دا بیسز آف واٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو بی ایکچولی اسپینڈ اور ریسیوڈ ڈیورنگ فائنینشیل ایئر. بجٹ ہمیشہ بیسڈ ہونا ہے کس بیسز پہ, کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم خرچہ کتنا کر رہے ہیں اور ہمیں ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے ڈیورنگ اے پرٹیکولر فائنینشیل ایئر. ایکسپینڈیچر شوڈ ناٹ, ہاں اور ہمیں ہمیشہ ایک پرنسپل دماغ میں رکھنا ہے وائل فریمنگ دا بجٹ, کہ جو ہمارا ریونیو ہو یا جو ہمارا انکم ہو وہ ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ایکسپینسز. یہ نہیں کہ ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہو اور انکم کم ہو. اٹ شوڈ انشور دا موسٹ افیکٹو یوز آف, ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت اسکیئر ریسورسز ہوتے ہیں یا فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, تو اس ٹائم جو بھی ریسورسز اویلیبل ہو ان کا ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو یوز آنا چاہیے انسان کو. بجٹس آر آلویز فریمڈ فار, اور ہمیشہ بجٹ جو ہوتا ہے ایک فائنینشیل ایئر کے لیے بنایا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے 5-year پلانس ہوتے ہیں تو ان میں بھی ہم بجٹ فریم کرتے ہیں فار 5 years. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن لائک ہم بولتے ہیں ڈیفینس کو اتنا دیں گے, روڈ اینڈ بلڈنگس کو اتنا دیں گے, کنسٹرکشنس کو اتنا دیں گے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے فائنینشیل ایئر کے لیے ہمیں بجٹ بنانا ہوتا ہے. ایکسپینڈیچرس اینڈ ریونیو ایسٹیمیٹس آف دا بجٹ شوڈ بی پریپیئرڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ. ہاں اور کیا ہوتا ہے, لائک فار ایگزامپل اگر نرسنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے بجٹ بنانا ہے, لائک اگر ڈیفینس کے لیے بجٹ بنانا ہے, تو ہمیشہ ہمیں اس کے بندوں کو ان کے ہیڈس کو انوالو کرنا ہے. نرسنگ کے لیے بجٹ بنانا ہے کیوں, اسے کیا ہوگا, اسے یہ ہوگا کہ جو پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے اسے پتہ ہوگا کہ مجھے کس ایکسپینسز کے پہ زیادہ خرچے یا کہاں پہ کیا پیسے جا رہے ہیں, ان کو انوالو کرنا ضروری ہے. پرنسپل آف لیپس مسٹ بی دیئر. اور ایک پرنسپل ہونا چاہیے, لائک اگر فار ایگزامپل ہم نے نرسنگ ڈپارٹمنٹ کو 1 سال کے لیے یا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو 1 سال کے لیے 1,00,000 روپیہ دیا, انہوں نے اگر وہ خرچ نہیں کیا تو وہ لیپس ہونا چاہیے, وہ ان کو نہیں ملے. نیکسٹ, بجٹ از پریپیئر انڈر دا ڈائریکٹ اینڈ, ہاں اور ہمیشہ بجٹ جو بنایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے انڈر دا ڈائریکٹ سپرویژن آف دا ایڈمنسٹریٹرس, یا جو بھی فائنینشیل آفیسرس ہوتے ہیں فائنینس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے سپرویژن میں وہ بنایا جاتا ہے. اور ہمیشہ بجٹ بنانے کے ٹائم یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہم پریویس بجٹ دیکھیں, تاکہ ہمیں کیا ہو, ہم ایویلویٹ کریں کوالٹی کوانٹٹی کا ہمیں پتہ چلے, یا ہمیں پتہ چلے کہ لوپ ہولز کہاں پہ تھے, یا ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کس ایریا پہ خرچ نہیں کرنا ہے اور کس پہ زیادہ کرنا ہے. اور ہمیشہ کیا, جب بھی ہم بجٹ فریم کریں ہمیں رہنا چاہیے فلیکزیبل, کیونکہ کبھی بھی کوئی انٹورڈ ایکشن ہوتی ہے تو ہمیں فلیکزیبلٹی اپنانی چاہیے, تاکہ ہم اس کبھی جو انٹورڈ سچویشن ارائز ہوتی ہے اس ٹائم پہ اپنے بجٹ کو آلٹر کر کے. Now the advantages, hasty judgments are minimizer. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر ہم بجٹ نہیں بنائیں گے تو ہم کوئی بھی ججمنٹ لیں گے, لائک اگر میں نے پہلے ہی کہا تھا ہم گھر کے لیے ایکسپینسز رکھتے ہیں, اگر ہمارا انکم 8,000 ہے تو ہمارے ایکسپینسز کم سے کم 6,000 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے ود آؤٹ یہ ایسے ہی خرچ کرتے رہے, ود آؤٹ بجٹ ہم نے ایکسپینسز جو ہے خرچ کرتے 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 ہمارا جو ایکسپینسز ہے 10,000 پر منتھ ہو گیا, تو وی آر ان لاس. ٹھیک ہے, اس لیے جو بجٹ سے ہے اسے
लिए क्या होता है, हम मतलब ऐवें नहीं लेते हैं डिसीशन, हम सोच समझ के डिसीशन लेते हैं, ठीक है, इसमें या क्विक और हरीड डिसीशंस हम नहीं लेते हैं. वीकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिलीव्ड. इसमें क्या होता है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वीकनेस कोई होती है तो वो हमें वहाँ ही पता चलती है कहाँ पे, और अकॉर्डिंगली हम प्रीवियस बजट को देख के करेक्ट मेजर्स ले सकते हैं. और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को. कैसे, जैसे हमने पहले ही बताया कि अगर हम परचेजिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए ये बनाता है बजट बनाता है 1 करोड़ का, तो वो उनको कोऑर्डिनेट उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, हाँ जी आपके लिए इतना है, आप ऐसे मतलब इसी को खर्च करना है आपको ज्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. सेट लिमिटेशंस ऑन एक्सपेंडिचर. कैसे लिमिटेशंस, फॉर एग्जांपल सपोर्टर्स डिपार्टमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 लाख रुपये दिया, तो वो अकॉर्डिंगली खर्चे करेंगे, वो ऐसे टूर्स या वो ऐसे स्पोर्ट्स प्लान नहीं करेंगे जिनसे उनके लिमिट्स या जिससे इनके खर्चे ज़्यादा हो. इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग. और इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, हम जो डिसीजन लेते हैं वो साउंड होता है. डिसएडवांटेजेस, इट टेक्स कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. हाँ, इससे क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है वेल फ्रेमिंग द दिस डिसीजन, ओबियसली टाइम कंज्यूम होता है या कभी कभी क्या होता है एक्सपेंसिव हो जाता है ये. और इसके लिए जब भी डिसीजन मेकिंग हमें करनी हो, इसके लिए हमें स्किलफुल पर्सन चाहिए, एक्सपीरियंसड पर्सन चाहिए. कभी कभी क्या होता है अवेलेबल नहीं होते हैं, और कभी कभी क्या होता है समटाइम्स क्रिएट्स इनसफिशेंसी. कभी कभी क्या होता है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के लिए बजट रखा हो 1 लाख, तो उस फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपनी लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए बजट रखा है 1 लाख, तो कभी कभी क्या हुआ, हमें जब हम लाइब्रेरी को सेट कर रहे हैं तो हमें कोई शेल्फ जो है वो हमारा टूट गया, तो हमें वो शेल्फ नया लाना है, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा बजट कम हो जाएगा. इसीलिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें थोड़ा सा फ्लैक्सिबल रहना है. इसीलिए क्या है, ये इसकी एक और डिसएडवांटेज है. Thank you so much for watching my channel. Hope you have got an idea of what the budgeting is. Thank you. Allah Hafiz.